वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुलिका श्रीवास्तव। प्रयागराज कुंभ की ये तस्वीर तो शायद आपको याद होगी, जब 2019 में पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। पीएम ने अपने हाथों से 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और उनका आभार जताया था। उस वक्त किसी ने इसे राजनीतिक चाल बताई थी तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएम मोदी को काफी ज्यादा तारीफें भी मिली थी और वो इसके हकदार थे। सफाई कर्मियों ने भी पीएम मोदी से मिले इस सम्मान से काफी ज्यादा खुशी जताई थी। एक बार फिर से सफाई कर्मियों ने पीएम मोदी का आभार जताया है, क्योंकि इसी पैर धोने के वाक्य ने एक सफाई कर्मी गणेश की जिंदगी बदल दी है। लॉकडाउन के समय पूरी सब्जी बेचने वाले सफाई कर्मी गणेश चंद्र को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी किस्मत ऐसे पलटी मारेगी, लेकिन अब पीएम मोदी की बदौलत उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के घनघटा विधानसभा सीट से सफाई कर्मी गणेश ने विधायकी जीती है। उसने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था। गणेश ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने कहा कि पीएम ने प्रयागराज में जिस तरह से सफाई कर्मियों के पैर धोए, उससे ये संदेश दिया कि सफाई कर्मचारी नीचे नहीं हो सकते। बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।